चलिए जी, हम कर रहे थे किंगडम प्लान की। और किंगडम प्लान की में बेटा हमने पिछली बार किया जिम्नोस्पर्म्स। हम कहेंगे दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ट्रेकियोफाइट। विच बियर सीड्स दैट एम्ब्रियो एम्ब्रियो या एम्ब्रियोज आर एनक्लोज्ड इन सीड कोट्स बट एज सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट वॉल और जिसको हम और क्या बोलते हैं पेरिकार्प, तो इन जिम्नोस्पर्म्स मेड सीड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, पहला पॉइंट। रिक्वायरमेंट्स फॉर सीड फॉर्मेशन। हाँ जी सरगम, क्या रिक्वायरमेंट्स थी बेटा सीड फॉर्मेशन की? दो मेन रिक्वायरमेंट्स है, जल्दी से बोलो। डू यू रिमेम्बर सरगम? शिवांशी आप बताइए। मैम मैं भूल गई हूँ। हाँ चलो कोई बात नहीं। एनीबडी? हरगुन? नो मैम। ऐसे ना करो। गुंजन? अर्नव? अतिका? कृषा आप बताओ बेटा। ठीक ओव्यूल्स के बारे में था मैम कुछ। बेटा देखो, सीड फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशन जरूरी चाहिए। नहीं अर्नब, सिंगेमी नहीं, सिंगेमी तो पहले ही हो रही है। दो चीजें चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तभी मैं कहती हूँ इधर ध्यान से सुनो। हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल माइक्रोस्पोर्स एंड लार्ज मेगास्पोर्स। पहले सब पेन नीचे रख दो, इधर सुनो। एवरीबडी पेन्स डाउन, लिसन टू मी, है ना? और ये बहुत ध्यान से सुनो कि दो है इसलिए माइक्रोस्पोर्स फॉर्म मेल गैमेटोफाइट मेगास्पोर्स फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। देयरफॉर जो गैमेटोफाइट्स है गैमेटोफाइट इज यूनिसेक्सुअल, मीन्स
That is separate male and female gametophyte है, एक नहीं, plant bisexual है, क्योंकि plant में दोनों male और female gametophyte बनेंगे, sporophyte bisexual है, but gametophyte is unisexual, separate है male and female gametophyte है, ठीक है, ये हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये term कहीं नहीं दी हुई, तो फिर कोई confusion करेगा, but ये पता होना चाहिए कि separate male and female gametophyte है, पहली बात तो heterosperm, और दूसरी point है retaining of female gametophyte, क्योंकि male gametophyte क्या था, pollen grain, retaining of female gametophyte on the sporophyte before and after fertilization and after fertilization. Fertilization के बाद भी जो female gametophyte है वो plant पर ही sporophyte पर ही रहता है. These are the two requirements of seed formation. और यहाँ पे ध्यान से सुनो पहले. These evolved या these originated in some of pteridophytes, हर एक में नहीं, some of pteridophytes. ये दोनों habits जो है plants की, heterospory, retaining of female gametophyte on sporophyte. It originated in some pteridophytes, but gets developed in, but gets developed in gymnosperms and angiosperms, which form seeds. Gymnosperms and angiosperms, which form seeds. ठीक है जी, तो ये है, ये दो conditions है, मैंने बार बार कही है, दोबारा से भी लिख लो, no problem, जितनी बार लिखोगे इसके साथ में दोबारा से एक बार gymnosperms के फटाफट से important characters बताऊंगी, evolved characters, तो आपने सबने note करने हैं जल्दी से. तो मैंने फिर दोबारा से बता रही हूँ कि seeds क्या है, fertilized ovules है, दो main type के है, तो और भी कई type के ovules है, but दो main type के ovules मिलते हैं, orthotropous ovule and anatropous ovule, right? orthotropous को हम straight ovule भी कहते हैं. This is straight ovule, anatropous is inverted ovule. Most of the gymnosperms, most of the gymnosperms have orthotropous ovule. Most of the gymnosperms have orthotropous ovule, ब्रैकेट में लिख लो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल पहले आए है ना, सबसे पहले तो जिम्नोस्पर्म्स में आए, तो सबसे पुराने ही होंगे ना. ओव्यूल्स को हम और क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया, ये टर्म्स याद होनी चाहिए, मेगास्पोरेंजिया. मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स हैव ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स except few such as Pinus, which has anatropous ovule, which has anatropous ovule.
ओके बना लिया बेटा? यस मैम। कर लिया सरगम, शिवांशी, गुंजन, अर्नब? यस यस मैम। ओके अर्नब डन? यस मैम। चलिए अब क्या है, अब बेटा आपको ये पता है कि इसके अंदर ओव्यूल के, चलो मैं यही कंसीडर कर रही हूं, जिम्नोस्पर्म्स में अंदर बहुत सारा फीमेल गैमेटोफाइट, न्यूसेलस के बाद रिडक्शन डिवीजन के बाद यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट आ जाता है। ये मैंने पिछली बार आपको बताया था कैसे बनता है। ये सारा फीमेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर वाले पार्ट में क्या है, 2 से 10 आर की गोलियां है, 2 to 10 आर की गोलियां, ठीक है। आर्किगोनिया में वेंट्रल कैनाल सेल डीजनरेट हो जाएगा, फीमेल गैमीट है, यहां से मेल गैमीट आया, ये फीमेल गैमीट है, तो क्या बन गया, 2n zygote और zygote क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है। पहले समझो, अगेन ये चीज समझो, इन वन ओव्यूल देयर आर 2 to 10 आर की गोलियां, एक से ज्यादा ही है आर की गोलियां, ईच आर की गोलियां हैज 1 egg, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन More than 1 hour की कोनिया at the same time, हो सकता है 4 hour की कोनिया में fertilization हो जाए, 5 में हो जाए, 3 में हो जाए, एक से ज्यादा hour की कोनिया में fertilization होती है। It forms more than 1 zygote and more than 1 embryos in 1 ovule. One ovule forms one seed having more than 1 embryo. एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियोस है, दिस इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोन। और हम क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्मिक सीड्स शो सिंपल पॉलीएम्ब्रियोन, इन विच many embryos
are found in या formed in one seed. तो ये मैंने बताया है कि जिम्नोस्पर्मिक सीड्स आर पॉलीएम्ब्रियोनिक या दे शो पॉलीएम्ब्रियोनिक. कैसे पॉलीएम्ब्रियोनिक है ये आपने लिखना है. तो आप ये वाला पॉइंट यहां लिखो, जिम्नोस्पर्मिक सीड शो सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनिक इन विच मेनी एम्ब्रियोज आर फॉर्मड इन वन सीड, ये यहां लिखो और फिर नीचे एक्सप्लेनेशन लिखो. डायग्राम भी बनाओ, एक्सप्लेनेशन भी लिखो. चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉइंट जिम्नोस्पर्म्स का. इन जिम्नोस्पर्म्स मेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन. मेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन. मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड हैविंग थ्री और फोर सेल्स, हैविंग थ्री और फोर सेल्स, इतने ही सेल्स होते हैं. इट इज लिबरेटेड विद द हेल्प ऑफ एयर. And reaches the female gametophyte. This process is called as anemophilous pollination. क्या मतलब है एनिमोफिलस या एनिमोफिली का? दैट इज पॉलिनेशन बाय एयर. पॉलिनेशन बाय एयर, ठीक है जी. ऑन रीचिंग ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही है. On reaching ovule, pollen grain germinates to form pollen tube. इस तरह से जनरली ओव्यूल होता है. यहां पे पोलन ग्रेन आया एंड इट जर्मिनेट्स टू फॉर्म द, दिस इज पोलन ट्यूब, दिस इज पोलन ग्रेन, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है मेल गैमेट्स of gymnosperms are non-motile except cycas. Cycas में मैंने बताया था ciliated and motile.
एक्सेप्शन को छोड़ो, मेल गैमेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉनमोटाइल, देयरफॉर दे आर कैरिड टू फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब. रीजन बता दिया मैंने. एंड सच फर्टिलाइजेशन is called as siphono, siphon like, siphon होता है pipe like, so pollen tube से आ गया siphonogamy, means fertilization, gamy मतलब fertilization, fertilization with the help of a tube like structure called as pollen tube, right? So as pollen tube helps in fertilization, therefore no need of water during fertilization. Thus, gymnosperms are the first plants, first land plants which gets free from requirement of water for reproduction. पानी फोटोसिंथेसिस को तो चाहिए, बट ये सबसे पहले प्लांट्स है जिनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए ये मैंने आपको बता दिया. और यहाँ पे एक चीज और, वन मोर थिंग, स्टार डाल के लिखना. इन ब्रायो एंड रिडोफाइट्स फर्टिलाइजेशन बाय मोटाइल मेल गैमेट्स, पोलन ट्यूब नहीं है, इसको हम कहते हैं जोइडोगैमी. जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में ये एक बॉक्स में लिख लेना, दिस इज जोइडोगैमी. जहां पे पोलन ट्यूब नहीं होती, मेल गैमेट्स खुद स्विम करके जाते हैं, दैट इज जोइडोगैमी. बाकी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या होती है, साइफोनोगैमी. लिख लेना वैसे ब्रैकेट में यहाँ पे साइफोनोगैमी क्या, फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब, राइट. चलिए ये कर लो फटाफट से. नेक्स्ट आ जाता है बेटा some gymnosperms such as cycas, jingo, metasequoia, this is different from sequoia, are regarded as living fossils. अब यहाँ पे क्या आ गई है living fossils की, कि living fossils क्या, these are the organisms which are living but still retains primitive characters. And has not evolved from a long time.
हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से ये इवॉल्व नहीं किए, अभी भी पिछड़े हुए है, पिछड़े हुए है या प्रिमिटिव करेक्टर्स अभी ये अभी भी है. फॉर एग्जाम्पल साइकस, इज ए जिम्नोस्पर्म. क्यों जिम्नोस्पर्म है? Because it has woody stem, that is secondary growth है इसमें, pteridophytes में नहीं होती. Another is form seeds. Like gymnosperms. Has primitive fawn like characters. कौन से प्रिमिटिव फॉन लाइक कैरेक्टर्स है इसमें? सबसे पहले जो लीव्स है, लीव्स आर लार्ज, कंपाउंड लीव्स है, पाम लाइक है, बड़े बड़े, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में कैसे होते हैं, लिटल लाइक. इसमें बड़े बड़े लीव्स है, लीव्स आर लार्ज कंपाउंड एंड हैज सर्सिनेट टाइप्स. सर्सिनेट एक्सिस मीन्स जब ये यंग होते हैं तो ये ऊपर की तरफ बहुत स्प्रिंग लाइक कॉइल्ड है. दूसरी बात, लीव्स आर कवर्ड बाय रिमेंटा. रिमेंटा आर ब्राउन लीव्स, ब्राउन स्केल्स, ब्राउन हेयर लाइक स्ट्रक्चर. थर्ड पॉइंट, मेल गैमीट्स आर मल्टी सिमिलेटेड. पोलन ट्यूब, यहां पे हम वैसे जनरली सब पहले ऐसे लिख लो, ऑल्दो पोलन ट्यूब इज ऑल्सो फॉर्म. पुराना करेक्टर इन्होंने छोड़ा नहीं कि मल्टी सिलिएटेड वाला करेक्टर छोड़ा नहीं, बट नया करेक्टर पोलन ट्यूब बना दी. ठीक है, तो ये फॉर्न लाइक करेक्टर्स है, ये जिम्नोस्पर्मिक करेक्टर्स है, इसलिए है तो जिम्नोस्पर्म है, बट अभी भी कुछ पुराने करेक्टर्स इसमें है. ठीक है जी, एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा, मैम नीचे का रहने दो. उसके बाद एक पॉइंट और सुन लो, दैट इज वेस्कुलर टिश्यूज. Xylem of gymnosperms lack vessels. आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि xylem में tracheids होती है, vessels होते हैं, but इसमें vessels नहीं है, except members of family Nitaceae. निटेसी फैमिली है, उसके मेंबर्स, दैट इज कौन से मेंबर्स है? एफेड्रा, नीटम,
एंड वेलविस्चिया। वेलविस्चिया विच हैव, इनकी वेसल्स को क्या बोलते हैं, मिटेलियन वेसल्स। Which have Mitterian vessels. सिर्फ इन तीन में vessels है, बाकी किसी gymnosperm में vessel नहीं है। फिर कैसे conduction होती है? That is through tracheid. Phloem of gymnosperms lack companion cells. Angiosperms में present होते हैं, but यहाँ पे नहीं, बस इतना क्या है। शिवांशी मैं ये रब कर दूँ बेटा? Yes. तो आपने मुझे टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के डिफरेंसेस को लिख के बता दिए थे। अब फटाफट से डिफरेंसेस इन पाइनस एंड साइकस। साइकस एंड पाइनस इसमें। चलो जी, सबसे पहले मैं अभी थोड़ा थोड़ा बोलती रहती हूँ, तुम भी कुछ कुछ हो तो बताते चलो। साइकस, इट इज यूनिसेक्सुअल, इट इज यूनिसेक्सुअल, दैट इज हैज सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट, दैट इज हैज सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट। पाइनस में इट इज बायसेक्सुअल। सेम प्लांट हैज मेल एंड फीमेल कोन्स। सेम, ये पॉइंट रिपीट करना। साइकस इज यूनिसेक्सुअल, हैज सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट। पाइनस इज बायसेक्सुअल। नेक्स्ट आ जाइए। In cycas, the stem is unbranched. In cycas, the stem is unbranched. Whereas in pinus, there are present long and dwarf branches. There are present long branches and dwarf branches. I'm long and dwarf. Dwarf मतलब छोटी, DWARF. Next आ जाइए। साइकस में कोरेलॉइड रूट्स, साइकस में कोरेलॉइड रूट्स, पाइनस में माइकोराइजल रूट्स। कोरेलॉइड रूट्स आपको पता है एसोसिएटेड विद ब्लू ग्रीन एल्गी, पाइनस में रूट्स एसोसिएटेड विद फंजाई। पाइनस में माइकोराइजल रूट्स। नेक्स्ट आ जाइए। साइकस में लार्ज एंड कंपाउंड लीव्स, लार्ज एंड कंपाउंड लीव्स। पाइनस में
needle shaped reduced leaves. Needle shaped reduced leaves. नेक्स्ट आ जाइए साइकस में रेमेंटा प्रेजेंट रेमेंटा या लिख लो लीव्स आर कवर्ड बाय रेमेंटा पाइनस में रेमेंटा एब्सेंट साइकस में Male gametes motile. Pinus may non-motile. Cycas may. Pollen grains do not have wings. Pollen grains do not have? Wings. उनके विंग्स नहीं होते डब्ल्यू आई एन जी एस पाइनस में विंड पोलन ग्रेन्स साइकस में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाइनस में एनाट्रोपस होती है सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन साइकस एंड पाइनस लाओ मैं तुम्हें साइकस दिखा दूं पाइनस तो चलो कैन यू सी इट ये आपके घरों में स्कूलों में गमलों में दिस इज ऑल साइकस देखा है कि नहीं yes, ma'am. ठीक है ना ये सब साइकस है ये देखिए सारी कहीं आपको ब्रांचेस नजर आ रही है ये बहुत बड़े बड़े लीव्स है ठीक है ना दीज आर द लार्ज लीव्स बट स्टेम देखो आप अनब्रांच्ड स्टेम है ऊपर लीव्स प्रेजेंट है राइट सो दिस इज ऑल साइकस और अगर हम यहाँ पे पाइनस कर लें ये देखो पाइनस की तो कितनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस है कि नहीं यस मैम सो पाइनस इज ब्रांच साइकस इज अनब्रांच्ड निडल शेप लीव्स नजर आ रहे हैं उसके आपके लार्ज लीव्स नजर आते थे ये जो बड़े कोन्स नजर आते हैं दिस इज फीमेल कोन मेल कोन तो दिखते नहीं है बहुत छोटे होते हैं ऑल दीज आर फीमेल कोन इज इट ओके नेक्स्ट आ जाइए बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म तो सबसे पहले तो The seeds of pinus are edible. Chilgoza. ये हम खा सकते हैं. Seeds of pinus are edible. Next है. Pinus. Pinus secretes resins. Pinus wood secretes resins which gives us turpentine oil which gives us turpentine oil so pinus में से हमें turpentine oil भी मिलता है Seeds of pinus are edible. Seeds of pinus are edible. दूसरा है resins from the wood of pinus yields turpentine oil.
जो पेंट्स वगैरह में यूज करते हैं. थर्ड है वुड ऑफ सिड्रस दियोदारा. मैं भी साइकस का भी बताऊंगी बेटा, अभी बताया नहीं मैंने. सिड्रस देवदारा सीड्स ऑफ सॉरी वुड ऑफ सिड्रस देवदारा इज हाईली ड्यूरेबल एंड इज यूज्ड इन फर्नीचर डोर्स एक्सेट्रा. Another is cycas yields sabudana ya sagodana. Sabudana hum vrat mein khate hai ya uski kheer banate hai, khichdi banate hai. That is obtained from cycas. Another is Texas vaquita. Texas vaquita. It yields anti-cancerian drug Taxol. It yields anti-cancerian drug Taxol. Next है ephedra. ये ऊपर लिखा है. Ephedra yields ephedrine. Ephedra yields ephedrine. E-P-H-E-D-R-I-N. Ephedrine, which is used in medicines for cough and cold. Which is used in medicines for cough and cold. ठीक है जी. सो दिस इज अबाउट जिम्नोस्पर्म. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एंजियोस्पर्म. ऑल्दो एनसीईआरटी ने ये टॉपिक रिमूव किया हुआ है, बट हम थोड़ा सा, क्योंकि यही हमने प्लस टू में जाके डिटेल में करना है, इसलिए उन्होंने कहा प्लस वन में निकाल दो. बट थोड़ा सा तो जब प्लांटिंग कर रहे हैं तो आपको पता तो होना ही चाहिए. साइकस मैंने बताया इट यील्ड साबूदाना. ओके, वहां से सारा साइकस का था. हाँ बेटा, एंजियोस्पर्म्स एज सच सिलेबस में नहीं है, ठीक है. प्लस वन के सिलेबस में से अपना काट दिया है, बट हम थोड़ी सी लाइफ साइकिल की फॉर्म में मैं बताऊंगी आपको, ज्यादा नहीं करेंगे. एंजियोस्पर्म्स आर द ओनली flowering plants which bear ovary around ovule. Ovules form seeds and ovary forms. ठीक है जी. ये सिर्फ यही प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स बनाते हैं, ठीक है बेटा. तो लाइफ साइकिल करने जरा जल्दी से. डोमिनेंट स्पोरोफाइट है, इसने बनाए फ्लावर्स. बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ रहे हो. फ्लावर्स में क्या है, स्टेमंस है,
एंड पिस्टिल है या कार्पल हम इसको बोल देते हैं. ये स्टेमंस है. दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट. एंथर में बचे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. आपने पूरा लिखना है. टू एन होती है जिसमें मियोसिस होगी, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे एंड, और ये डेवलप करके पोलन ग्रेन्स बनाएंगे. दिस इज मेल गैमेटोफाइट. उधर से है पिस्टिल या कार्पल. दिस इज पिस्टिल और कार्पल. स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. ओवरी में क्या है? ओव्यूल्स. कौन से? मेनली एनाट्रोपस. मेनली एनाट्रोपस होती है. This is new cell. इसमें क्या हुआ बेटा? न्यू सेलस का एक सेल बड़ा हो गया. एक ही मेगास्पोर मदर सेल. मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल बट सिर्फ एक मेगास्पोर मदर सेल्स बनता है, सेल बनता है. ये सेल्स है. इसमें हुई मियोसिस टू फॉर्म. मैं सिर्फ इतना सा ही दिखा रही हूं. टू फॉर्म चार मेगास्पोर्स. हर मेगास्पोर क्या है? हैप्लोइड है. इसमें से ये तीन डीजेनरेट हो जाते हैं. सिर्फ ऊपर वाला जो है वो सरवाइव करता है. फंक्शनल मेगास्पोर. इट कंज्यूम्स न्यू सेल्स एंड डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट. जिसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेल. इसने बना दिया इस मेगास्पोर में
सारा न्यूसेलस खा लिया और बदले में क्या बनाया, दैट इज एम्ब्रियो सैक. ये देखिए एम्ब्रियो सैक में ये तीन सेल्स हैं, आपने टेंथ में भी किया है. ये है ये है, दीज आर द, दिस इज एम्ब्रियो सैक. अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो इट इज सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड. इधर से बेटा इसकी हुई पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के बाद यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन, ये मैं अलग से बताऊंगी. फॉर्म्स एम्ब्रियो, फॉर्म्स सीड इन पेरिकार्प और सीड जर्मिनेट करके फिर ये बना देता है. तो मैंने यहां पे, आप ये बनाओ पहले लाइफ साइकिल, फिर मैं यहां पे आपको डबल फर्टिलाइजेशन बताऊंगी कि क्या होता है. आपको कुछ याद है टेंथ का कि नहीं? हाँ जी, वहां पे भी तो डबल फर्टिलाइजेशन की थी, पता है ना? थोड़ा सा और मैं बताऊंगी, पहले आप ये बना लो. यहाँ पे हमने क्या देखना बेटा, हमने कंपैरिजन ऑफ जिम्नोस्पर्मिक एंड एंजियोस्पर्मिक स्ट्रक्चर्स. ये जिम्नोस्पर्म के स्ट्रक्चर बताऊंगी और ये एंजियोस्पर्म के. जिम्नोस्पर्म में होते हैं बेटा माइक्रोस्पोरोफिल और एंजियोस्पर्म में कंपेरेबल स्ट्रक्चर क्या है, स्टेमन. स्टेमन इज सेम एज माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ जिम्नोस्पर्म. उसके बाद है मेगास्पोरोफिल. मेगास्पोरोफिल इज फिस्टी या सिंपल कार्पल, या कई बार कुछ लोग ओवरी भी सिंपल कह देते हैं. नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरेंजिया. ये है पोलन सैक्स इन एंथर्लो. नेक्स्ट है मेगास्पोरेंजिया. ये तो चाहे जिम्नोस्पर्म्स है चाहे एंजियोस्पर्म्स है, दोनों में हम ओव्यूल्स ही कह देते. मेल गैमेटोफाइट, तो जिम्नोस्पर्म में भी पोलन ग्रेन है, यहां भी पोलन ग्रेन. उसके बाद है फीमेल गैमेटोफाइट, यहां पे उसको बोल देते हैं एम्ब्रियो सैक.
This is ambrosia. ठीक है जी, तो अब हम बात कर रहे थे बेटा एम्ब्रियो सैक की अगर हम बात करें तो ये है, इन तीनों सेल्स को बोलते हैं एंटीपोडल। ये दो क्या है, सिनर्जिड्स, इनमें ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, फिलिफॉर्म अपरेटस। ये है एग, आप देख रहे हो ये जो सेल है इसमें दो न्यूक्लियाई है, दिस इज सेंट्रल सेल और इन दो को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल विद पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज you know embryo sac in the ovule. Central cell is the largest cell of embryo sac. During fertilization, एंटीपोडल्स डीजेनरेट हो गए, सिनर्जिड्स डीजेनरेट हो गए, दो सेल रह गए सेंट्रल सेल एंड एग। सेंट्रल सेल में ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गए, ये है सेंट्रल सेल। पोलन ट्यूब लिबरेट्स टू गैमेट्स, टू हैप्लोइड male gametes. ठीक है, one male gamete fuses with haploid egg to form 2N zygote and this process is called as syngamy.
Whereas second male gamete fuses with 2N central sac to form 3N primary endosperm cell. And this process is called as triple fusion. क्योंकि basically तीन nucleus की fusion से बनता है. Syngamy results in formation of embryo. Triple fusion results in formation of endosperm. लिख लो पहले फिर बना लेना. एज देयर आर टू एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एज देयर आर टू एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स. Endosperm is the nutritive tissue. Endosperm is the nutritive tissue which provide nutrition, which provide nutrition for the growth of embryo, for the growth of embryo. अब जल्दी से मुझे, अगर किसी को याद है तो मुझे बताइए. What is the difference in the endosperm of gymnosperms and angiosperms? Angiosperms mein endosperm triple fusion se, fertilization ke baad triple fusion se banta hai, aur ye 3N hai. If you know anybody, if anybody knows the difference in the endosperm of gymnosperms and angiosperms. In gymnosperms, the endosperm is haploid because it is formed from female gametophyte, because it is formed from female gametophyte before fertilization. Whereas in angiosperms, it is triploid and is formed by triple fusion. So, beta, this is all about kingdom planting. ठीक है जी.